हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर के न्यूज़ अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे की कक्षाओं में हमने किया था कि HCF और LCM को हम कैसे किस किस मेथड से निकाल सकते हैं और कैसे HCF को और LCM को ट्रिक की वे से निकाल सकते हैं, उसकी ट्रिक की हमने की थी। पीछे जो आठ कक्षाएं लगी थी, आठों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम करेंगे HCF और LCM की मैराथन क्लास। दोस्तों, मैराथन क्लास में क्या रहेगा, दोस्तों जितने भी क्वेश्चन HSSC एग्जाम या अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को उठाया गया है और उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों, आप अच्छे से देखें क्लास को। अगर आपने HCF और LCM के कॉन्सेप्ट को और ट्रिक की मेथड को नहीं देखा तो आप पीछे की जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी गई हैं उनको देख सकते हो। दोस्तों, आज शुरू करते हैं मैराथन क्लास। दोस्तों, तो मैराथन क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन उठाया हमने वो है द LCM अप टू नंबर इज 864 एंड देयर HCF इज 144। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 288 द अदर नंबर इज, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों, बोला गया है कि अगर दो संख्याओं का LCM 864 है और HCF 144 है और एक नंबर 288 दिया हुआ है तो दूसरा नंबर क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन CGL के अंदर पूछा गया था, SSC CGL के अंदर, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। दोस्तों, तो अब डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको जो फिफ्थ वीडियो थी हमने उसमें फार्मूला बताया था कि क्या होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में, क्या होता है सेकंड नंबर इज इक्वल टू किसके होता है LCM मल्टीप्लाई में HCF। दोस्तों, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्या के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। दोस्तों, तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है इसने, अगर एक नंबर दिया है 288, दूसरा नंबर हमें निकालना है। दोस्तों, LCM दिया है इसने 864 और HCF दिया है दोस्तों 144। फार्मूले के अंदर हमने संख्याओं को रख दिया है, अब क्या करेंगे, सेकंड साइड रह जाएगा 864 मल्टीप्लाई में 144, इधर तो 288 दिया है वो डिवाइड में चला जाएगा। और आपको पता है अगर किन्हीं दो संख्याओं का HCF है या तीन संख्याओं का या चार संख्याओं का, HCF हमेशा संख्याओं को क्या करता है, वो डिवाइड करता है। तो 288 को काटेंगे, 864 से काटेंगे, 864 को जब 288 से काटोगे तो तीन पे जाएगा और तीन पे डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीट ही। तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 144 की और तीन की मल्टीप्लाई करोगे, तीन चौके 12 हो जाएगा, तीन चौके 12 और एक 13, तीन एकम तीन और एक 4, तो 432 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर रहेगा सी। दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, LCM ऑफ टू नंबर इज 225। LCM जो है वो दिया हुआ है दो संख्याओं का 225 और HCF दिया हुआ है 5। दोस्तों, अगर एक नंबर इसमें से 25 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, नीचे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह से ये भी आप क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे देख सकते हो, SSC CGL के अंदर पूछा गया है। दोस्तों, तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर किसके बराबर होता है, LCM मल्टीप्लाई में HCF, आगे पीछे लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HCF मल्टीप्लाई LCM भी कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 25 दोस्तों, सेकंड नंबर आपको निकालना है और LCM कितना दिया है 225 दिया गया है, HCF कितना दिया गया है आपको, HCF 5 दिया गया है। अब क्या, अब 25 मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर सेकंड नंबर रह जाएगा, उधर क्या करेंगे 225 मल्टीप्लाई में 5 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 25 होते हैं कट जाएगा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों 45। दोस्तों, तो 45 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी इसका, जो कोई ऑप्शन नंबर सी है वो इसका आंसर रहेगा। दोस्तों, इस तरह से दोनों क्वेश्चन सेम थे दोस्तों, SSC CGL के अंदर पूछे गए थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1280 दोस्तों एंड देयर HCF इज 8, द LCM ऑफ द नंबर विल बी, तो क्या है जो गुणनफल है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनफल, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर होता है, पहली संख्या और जो दूसरी संख्या होती है उनकी गुणा करके दे दी गई है, वो गुणा कितने 1280 है दोस्तों, HCF कितना है 8 है, तो LCM क्या होगा इसका, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन दोस्तों CGL के अंदर CPO का जो एग्जाम था उसके अंदर आया हुआ था। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो क्वेश्चन को, क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, HCF गुणा में LCM, या क्या कर सकते हो LCM गुणा में HCF। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है नहीं दिया है, सेकंड नंबर भी नहीं दिया है, क्या कर दिया है, दोनों का प्रोडक्ट दे दिया, दोनों की गुणा करके दे दिया, कितनी 1280 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, HCF कितना दिया हुआ है इसने 8 दिया हुआ है और LCM
ऐसे का ऐसा आएगा, आठ क्या इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, क्या करेंगे 1280 डिवाइड में आठ क्या हो जाएगा इधर एलसीएम, आठ से इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, आठ एक आठ चार बसता है, आठ से एक अड़तालीस जीरो जीरो रह जाएगी, 160 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हुआ आंसर हुआ दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ये सीजीएल सीपीयू के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, और जो ये क्वेश्चन है ये एसएससी सीआईएसएफ का जो एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था दोस्तों। क्या दिया है था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल दिया हुआ है इसका भी, दो नंबरों का जो गुणनफल है दो अंक संख्याओं का 216 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्या करेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम दोस्तों। क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई कितनी दी हुई है 216, एचसीएफ 6 दिया हुआ है उस साइड मल्टीप्लाई में एलसीएम रह जाएगा, 6 को साइड लेके आके क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, 6 से कैंसिल करोगे आपको पता कितना आ जाएगा 6 3 18 कितना हो जाएगा 6 6 36, तो 36 इसका क्या हुआ जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोनों का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, पहला थोड़ा अलग टाइप का था ये थोड़ा अलग टाइप का रहेंगे दोनों क्वेश्चन। और दोस्तों अगर क्वेश्चन करने में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर, शुरू करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया हुआ है द लिस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो क्या करे अगर 4, 6, 8, 12 और 16 से डिवाइड कर दें तो क्या करे 2 शेष रहे हर बार जब डिवाइड करें। तो सब पहले बात तो यही है दोस्तों, जब लिस्ट की बात आ जाए तो हमें क्या निकालना होता है एलसीएम निकालना होता है, और इसने क्या बोला है कि एलसीएम निकालने के बाद मतलब कुछ ऐसी संख्या निकालनी है कि हर बार जब उसको डिवाइड करें 500 संख्याओं से तो क्या शेष बचे 2, अगर 2 शेष बचाना दोस्तों क्यों ना हम इसका एलसीएम निकाल के उसके अंदर 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं 4, 6, 8, 12 और 16 की दोस्तों, अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। अब मैं इस तरह से तो नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि अगर हमने इस तरह से किया तो हमने ट्रिक सीखी है जो उसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों। तो अगर आपने ट्रिक नहीं सीखी है उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो देख सकते हो दोस्तों। क्या करेंगे 4, 6, 8, 12, 16 एलसीएम निकालना है मेरे को, बड़ी से बड़ी संख्या 16 को देखूंगा, 16 को देखा मैंने, 16 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 को काट दूंगा, उसके बाद 6 8 और 12 बचते हैं, अगर मैं 16 का डबल कर दूँ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 8 से डिवाइड हो रहा है इसको भी काट दूंगा, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा ना होने दो कोई दिक्कत नहीं। अब 16 का क्या करूँगा, ये डबल क्या था अब 3 गुना करूँगा, 16 तो ये 48 होते हैं, 6 से कैंसिल हो गया 12 से कैंसिल होता है उतना है, तो जो एलसीएम वो क्या हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, और उसके अंदर क्या करना है शेष कितना बचना चाहिए 2 बचना चाहिए हर कंडीशन में, क्या करूँगा प्लस में 2 कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा 50 ऑप्शन अपना थर्ड नंबर। तो इस तरह से आप ट्रिक वे से क्या निकाल सकते हो एलसीएम निकाल सकते हो, आपको ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है यहाँ पे ना आपको डिवीजन मेथड लगाना है, सीधा आप ट्रिक की वे से क्या कर सकते हो एलसीएम निकाल सकते हो, और क्या कर देना है उसके अंदर 2 जोड़ देना, क्योंकि हर केस में क्या है 2 शेष बचना चाहिए, क्या कर दिया हमने 2 जोड़ के आंसर निकल आएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर ही पूछा गया है दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, शुरू करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 4, 5, 8 और 10 से भाग देने पर हर अवस्था में क्या रहना चाहिए 3 शेषफल रहना चाहिए दोस्तों। पिछले क्वेश्चन की तरह ही रहेगा, क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, छोटी से छोटी बोल दिया है ठीक है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बोल दे या छोटी संख्या बोल दे तो क्या करेंगे एलसीएम निकाल के और जितना शेषफल बोल रहा है उसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे 4, 5, 8 और 10 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तन निकालना है दोस्तों। क्या करेंगे 10 दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या इन चारों के अंदर, तो क्या करेंगे 10 5 से कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दूंगा, अब क्या करूंगा 10 का 2 गुना करूंगा 20, 20 क्या है 4 से कैंसिल हो रहा है ठीक है, लेकिन 20 8 से कैंसिल नहीं हो रहा, क्या करूंगा 10 का 3 गुना करूंगा 30, 30 भी कैंसिल नहीं हो रहा 8 से, उसके बाद 10 का 4 गुना करूंगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 8 से भी कैंसिल हो गया, 5 से भी होता है और 4 से भी होता है और 10 से तो होता ही है, तो क्या करेंगे 40 में क्या करेंगे कितना शेष रहना चाहिए 3, प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 43, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह के जो शेषफल इतना शेषफल बचे 2 बचे 3 बचे 5 बचे 7 बचे इस तरह से आप जो कुछ क्वेश्चन होंगे इस तरह से उनको सोल्व करना है। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों, भेज सकते हो हमारे पास दोस्तों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल रहे। दोस्तों तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, अगर आपको बोला जाए 2 शेषफल रहे, 3 शेषफल रहे, 4 शेषफल रहे, 7 रहे, तो उनमें क्या करना था आपको, एलसीएम निकाल के वो जो संख्या जितने शेषफल पूछा गया उतना जोड़ देना था। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 बार शेषफल हो या 3 बार शेषफल हो, उनको कैसे करना है उसको बता देते हैं आपको। क्या बोला है, 4, 5 और 6 से भाग होनी चाहिए और शेषफल कर्मश्य, कर्मश्य का मतलब क्या था, लगातार, ठीक है, कंटिन्यू 1, 2, 3 इन संख्याओं से, मतलब 4 से डिवाइड करें तो 1 रहना चाहिए, 5 से डिवाइड करें तो 2 और 6 से डिवाइड करें तो कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 4 में से 1 को माइनस कर लेंगे, 5 में से 2 को माइनस कर लेंगे और 6 में से 3 को माइनस कर लेंगे। 4 में से 1 को, 5 में से 2 को और 6 में से 3 को, क्या बचेगा, इधर भी 3 बच जाएगा, इधर 3 बच जाएगा और इधर भी 3 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का 4, 5 और 6 इनसे भाग करना ना हमें, 4, 5 और 6 इनका एलसीएम निकाल के 3 को माइनस कर देना है जब आपको कर्मश्य का ऑप्शन मिले। तो जो ये आया है, इनका जो डिफरेंस आया है सेम आएगा दोस्तों, और इसको क्या कर देना आपको, माइनस कर देना है। क्या करेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लो दोस्तों, तो सिंपल बात है 5 दिया हुआ है और 5 से 4 तीनों संख्याओं में 6 बड़ी संख्या है लेकिन बीच में 5 भी दिया हुआ है और 5 उसी संख्या को डिवाइड करता है जिसके पीछे या तो 5 हो या क्या हो, 0 हो। और 6 के जब मल्टीपल करेंगे हम, 6 का 2 12 हो गया, 3 × 18 हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे क्या है, 2 और 8 हैं। तो इस तरह से अगर 5 गुना करूँगा इसका तो 30 होगा, पीछे 0 हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड होता है लेकिन 4 से नहीं होता, तो 30 तो इसका एलसीएम हो ही नहीं सकता। अब क्या करूँगा इसका, 10 गुना करूँगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इसके पीछे क्या है, 0 है, 5 से डिवाइड हो गया और ये 4 से भी डिवाइड हो गया, तो जो इसका एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा दिमाग को ट्रिकी वे में लेकर चलिया करो कि जैसे 30 है, अगर विश्वकर्मा एक बार 1 गुना कर 2 गुना करता, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, जब मेरे को पता है कि 5 से संख्या वही डिवाइड होती है जिसके पीछे 0 हो या फिर 5 हो, तो मैंने क्या किया, एक बार तो 5 गुना कर दिया इसका, एक बार 10 गुना कर दिया, तो 10 बार में 5 बार में 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 10 बार में क्या हो गया, डिवाइड हो रहा, तो 60 संख्या इसकी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। और मैंने क्या बोला है, वो संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसका कर्मश्य शेष 1, 2, 3 रहता हो, इसमें से क्या करना मेरे को, 3 घटाना, 60 में से जब मैं 3 को माइनस करूंगा कितना बच जाएगा, 57 बच जाएगा, और 57 अपना पहला ही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप इसको आंसर निकाल सकते हो, ट्रिकी वे में निकल जाएगा, टाइम बच जाएगा दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 2/3, 3/4, 5/8 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम है वो क्या होगा दोस्तों। अब इनके ऑप्शन को देखते ही कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, बिनों में दिए हुए हैं, और जो ऑप्शन है वो एक नंबर के रूप में दिए हुए हैं, कैसे डिस्कस करेंगे इसको। और दोस्तों अगर आपने इस तरह के जो क्वेश्चन सोल्व करने की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख सकते हो, वीडियो नंबर 7 रहेगी दोस्तों, वो देख सकते हो। अब डिस्कस करते हैं, जो 2/3, 3/4 और 5/8 का लघुत्तम समावर्तक निकालना हमें एलसीएम के लिए क्या बोला गया था, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका क्या रहेगा, एलसीएम निकालना रहेगा, और नीचे वाली संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएम ऑफ फ्रैक्शन। दोस्तों क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्याएं, ऊपर वाली संख्याएं क्या है, 2, 3, 5, और नीचे वाली संख्याएं क्या हैं, 3, 4, 8, इन संख्याओं का निकालेंगे हम एलसीएम और इनका निकालेंगे एचसीएफ, और उसको क्या कर देंगे, ऊपर नीचे रखेंगे। अब 2, 3, 5 है, इसका मेरे को एलसीएम निकालना है, ट्रिक से निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या को देखूंगा, 5 है, 5 का डबल क्या होता है, 10 हो जाएगा, 10 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, उसके बाद क्या करूँगा, 3 गुना करूँगा, 15, 2 से नहीं होगा वो, उसके बाद 4 गुना करूँगा, 20, 3 से नहीं हो रहा, फिर 5 गुना करूँगा, 25 हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, उसके बाद 6 से गुना करूँगा, 30 हो जाएगा, 30 क्या है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और इसका 6 गुना तो है ये, 5 से तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 30 दोस्तों इसका एलसीएम। उसके बाद नीचे क्या है, 3, 4, 8, मैंने बताया था पहले ही, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर आ जाए या तो वो खुद से डिवाइड होता है या किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। अब 3
सही है, 8 तो डिवाइड हो नहीं रहा, एच सी एफ 3 तो हो नहीं सकता, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। इसके नीचे क्या रखेंगे, 1, और जब 30/1 है तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, क्या हो जाएगा 30 ही इसका क्या हो जाएगा, एल सी एम हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपको मैराथन क्लास के अंदर करवाया जा रहा है दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, जो को प्राइम नंबर है उनका गुणनफल दिया हुआ है 117, तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, अगर पहले आपको बता देते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर के बारे में अगर बात करें तो को प्राइम नंबर के अंदर को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं, और सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जो प्राइम नंबर आप अभाज्य संख्या लिख रहे हैं उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या आई हुई है, तो जैसे 3 और 5 है, 5 और 7 है, 7 और 11 है, तो ये जो संख्याएं होंगी ये क्या होंगी, को प्राइम नंबर होंगी। 11 के बाद 11, 13 हैं, बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यू जो संख्या लिखी जाती है उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देन एलसीएम निकालना है। अब आप एक बात बताओ, पहले भी बता चुके हैं कि प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम जो नंबर होते हैं उनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। प्रोडक्ट आपको दे दिया है, एचसीएफ आपको मिल गया है, तो अब क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना, क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, और क्या होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। एचसीएफ कितना है, 1 है, प्रोडक्ट कितना दिया, गुणनफल कितना दिया है, दोनों का गुणा करके दे दिए, पहले 117, इधर क्या हो जाएगा एलसीएम, 1 को इस साइड डिवाइड में लेके आओगे 117/1 हो जाएगा, एलसीएम कितना ही आ जाएगा 117, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा दोस्तों। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। 3 नंबर्स आर इन रेशो 2:3:4 इफ देयर एलसीएम इज 240। तीन संख्याएं दी हुई हैं जिनका अनुपात है 2:3:4, अगर वो उनका एलसीएम 240 है तो उनमें से समालेष्ट नंबर क्या होगा, एचसीएम नहीं पूछा है, समालेष्ट नंबर छोटी संख्या क्या होगी तीनों में से, तो क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात में दी हुई है, मान के चलेंगे 2, 3, 4 दिया ना, 1 मान ली हमने 2x, 1 मान ली 3x और 1 मान ली 4x, एलसीएम कितना दिया हुआ 240 दिया हुआ है, मैं क्यों ना इन संख्याओं का एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 3, 4 का एलसीएम निकालोगे आप, 4 बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, 4 का डबल करेंगे 8 हो जाएगा, इससे डिवाइड नहीं हो रहा, इससे डिवाइड हो रहा है, इससे नहीं हो रहा, फिर 4 का 3 गुणा करो 4 दिए 12, इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी, और इससे तो हो ही रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स भी सभी के अंदर और एक्स सभी से डिवाइड नहीं होगा, तो 12x क्या हो गया इनका एलसीएम हो गया। अब 12x जो है वो किसके बराबर रख दूंगा 240 के बराबर रखूंगा, x इधर रह जाएगा उधर 240/12, 12 × 24 जीरो, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 है, छोटी संख्या क्या 2x है, तो 2 × 20 x की जगह कितना रखूंगा 20 × 20 × 40 हो जाएगा, अगर बीच वाले पूछे तो 3 × 20 कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, अगर बड़ी पूछे तो 4 × 20 कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, छोटी पूछा है 40 क्या 40 अपना ये ऑप्शन रहा, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करते हो, रेशियो के अंदर दिया हुआ है तभी क्या करोगे, जो भी अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात में संख्या को मानोगे और एलसीएम के बराबर रख देनी है, उसके बाद आपकी संख्या निकल के सामने आ जाएगी दोस्तों। अब सर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3/4, 5/6 और 6/7, 3/4, 5/6 और 6/7 का आपको एचसीएम निकालना है। एचसीएम निकालने के लिए आपको बताया गया है कि एचसीएफ जब निकालना पड़े तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, और नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या होगा एचसीएफ और नीचे वाली संख्या होगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस दोस्तों। अब क्या करूंगा, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या होगा एचसीएफ बोला, तो ऊपर वाली संख्या क्या 3, 5 और 6, और एलसीएम निकालने के लिए क्या है 4, 6 और 7, ये नीचे वाली संख्याएं हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाली संख्या होगा अगर मैं एचसीएफ निकाल दूं तो एचसीएम में क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या देखते हैं, छोटी वाली संख्या इसको डिवाइड नहीं कर रही है, इसको कर रही है, तो 3 तो इसका एचसीएफ हो नहीं सकता, और 3 क्या है एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का अगर खुद वो एचसीएफ ना होगा तो क्या होगा 1 होता है दोस्तों, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्या एलसीएम निकाल देता हूं मैं, एलसीएम निकालेंगे 4, 6, 7,
सात क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है। उसके बाद चार और छह को देखेंगे, चार और छह में से छह बड़ी संख्या है, छह का डबल करूंगा कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा, बारह चार से डिवाइड हो रहा है, छह से डिवाइड हो रहा है, और ये क्या है एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, बारह से एक दिन हो जाएंगे चौरासी दोस्तों। तो इस तरह से एक बटे चौरासी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर रहेगा बी दोस्तों। ध्यान रहे जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो प्राइम नंबर को चूज जरूर करा करो, सबसे पहले प्राइम नंबर देखा करो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, शुरू करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजिबल बाई ऑफ इच 6 12 एंड 18 दोस्तों, तो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर संख्या निकालनी है हमें जो 6 12 और 18 तीनों संख्याओं से क्या हो जाए भाग भी हो जाए और वो क्या होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे अब 6 12 और 18 इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम की बात करूँ तो इनके अंदर बड़ी संख्या को देखूंगा 18 है, 18 6 से डिवाइड हो रही है लेकिन 12 से नहीं हो रही है, अब क्या करूँगा 18 का डबल करूँगा, 18 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा दोस्तों। क्या करेंगे 6 से डिवाइड हो रहा है 12 से भी डिवाइड हो रहा है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 क्या परफेक्ट स्क्वायर है तो 36 परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना हो दोस्तों किसी भी संख्या का जब आप निकाल रहे हो एलसीएम, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना पड़ जाए तो दोस्तों इस तरह से आपको कर लेना है, वो 36 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 18, 2 से डिवाइड करोगे 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करोगे 1 आ जाएगा, 2 2 के जोड़े बन गए और 3 3 के भी जोड़े बन गए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपको परफेक्ट चेक करना है, डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 5 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और वे क्रमशः 6 7 8 9 तथा 12 सेकंडों के अंतराल में बजती हैं, तो वो कितने सेकंड के बाद पुनः इकट्ठी बजेंगी, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना होगा एलसीएम दोस्तों, क्योंकि कुछ एक घंटी 6 सेकंड में बज रही है, एक 7 में बज रही है, एक 8 में, एक 9 में और एक 12 में, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि वो घंटी सभी इकट्ठी बजेंगी दोस्तों। तो उसके लिए क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम किस तरह से निकालेंगे दोस्तों 6 7 8 9 और 12 इनका एलसीएम निकालना है, ट्रिकी वे में निकालेंगे, 6 प्राइम नंबर है इसको छोड़ देंगे, क्या करेंगे 6 8 9 12 इन चारों संख्याओं के अंदर देखें तो 12 बड़ी संख्या है, उसके बाद 12 खुद डिवाइड नहीं हो रहा तो 12 से डबल करूंगा 24, 24 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसके बाद 36 करेंगे, 36 में 6 से हो रहा है 9 से हो रहा लेकिन 8 से नहीं हो रहा, उसके बाद 4 गुणा करूँगा 48, 48 में 9 से नहीं होगा, उसके बाद 5 गुणा करूँगा 12 पंजे 60 हो जाएंगे, 60 में 8 से नहीं होगा और 9 से भी नहीं होगा, उसके बाद 6 गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 9 से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 6 के 72 होते हैं और 12 से भी हो रहा है, तो इन चारों संख्याओं के लिए जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, और बचा कितना हुआ है 7 बचा हुआ है, इसको प्राइम नंबर है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 दुनी 14 हो जाएगा, 7 और 50 हो जाएगा दोस्तों, 504 जो आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 504 जो सी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से फर्स्टली आप क्या कर सकते हो एलसीएम निकाल सकते हो, और जो ये है जो 504 सेकंड के बाद जो सभी घंटियाँ वो इकट्ठी बजेंगी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों मैराथन क्लास, एचसीएफ और एलसीएम के लिए आपकी मैराथन क्लास थी दोस्तों। हर प्रकार के क्वेश्चन उठाए हमने, रेशो के अनुसार अनुपात के अनुसार दिए थे वो क्वेश्चन भी उठाए हैं, प्रोडक्ट दिया हुआ था वो भी उठाए हैं, और जो बिनों के रूप में फ्रैक्शन के रूप में दिए हैं वो क्वेश्चन उठाए, और आपने जो ये घंटियों के जो क्वेश्चन थे वो भी उठाए दोस्तों। अगर कुछ एक दो क्वेश्चन या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहता है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो, हमारे पास भेज सकते हो दोस्तों, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप हमें भेज सकते हो जो ग्रुप, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और हमें भेज सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, थैंक यू दोस्तों।